हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। तो कैसे हैं आप सबको, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपके साथ शेयर किया, जैसे कि आपको पता है नवरात्रि आने वाली है, आप सबको हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मैंने नवरात्रि की शॉपिंग भी आरंभ हो गई है, तो अब शॉपिंग तो करनी ही, माँ भगवती के लिए, हमारी माँ दुर्गा के लिए शॉपिंग तो हमने करनी ही थी। तो ये देखिए मैंने शॉपिंग, ये मेरी शॉपिंग का पार्ट वन है। सबसे पहले हमने सोचा ये ही दिखाएं क्योंकि यही सबसे मेन है। तो दिखा दो, हमारे नवरात्रों के दौरान हमारे घर आई है हमारी प्यारी सी भगवती माँ नव दुर्गा। ये देखिए पर्दा हटा दिया, देखिए ये है हमारी नव दुर्गा माता रानी है ये हमारी। ये देखिए, ये आराम से पास से देख लीजिए, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे में उल्टा ही दिखता है। तो ये पीछे से ऐसी है और ये आगे ऐसी है, फोटो फ्रेम है। इसका साइज देख लीजिए, मैं ऐसे पकड़ा हुआ है, आपको पता चल ही गया होगा साइज, एक्चुअल साइज मुझे पता नहीं है इसका, तो मैं ऐसे पकड़ के दिखा देता हूँ। ये बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है ये, देखिए इस प्रकार की है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत प्यारी है पिक्चर, मुझे लगी बहुत प्यारी लगी देखो ये पिक्चर, इतनी सुंदर लगी ना मुझे ये पिक्चर। सबसे पहले मैं ना, मेरे पास एक पोस्टर था, मैं आपको पोस्टर भी दिखा देता हूँ एक मिनट। तो पोस्टर ये था, ये देखिए ये भी नव दुर्गा का ही पोस्टर है, इससे नीचे पिंडियाँ भी है वैष्णो देवी की तीन, पर ये मुड़ भी दिया था एक तो, क्योंकि मैंने फोल्ड करके रखना पड़ा था। ये देखिए, ये मैंने लिया था, ये सात फेज से लिया था मैंने, मतलब चंडीगढ़ मैं, अगर वो खरड़ में रहता हूँ सन्नी एनक्लेव में, तो मैं शॉपिंग यहाँ पे सामान ऐसा, मतलब पूजा का सामान नहीं मिलता इतना, तो मुझे चंडीगढ़ ही जाना पड़ता है। तो ये देखिए, ये तो ली थी मैंने, पर जो ये है और ये, मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, और ये मुझे ये भी अच्छी लगी थी, पर ये पीछे वाइट था, पर मैंने, और इसका प्राइस बता दूं मैं आपको, ये 150 रुपये की आई है, और इसका फ्रेम भी 150 रुपये का पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही ले लूँ। ये 150-150 दोनों सेम ही है, इसका अकेला फ्रेम ही 150 का है, तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैं कह 150 की तो पूरी पिक्चर आ जाती है, आप 150 का अकेला फ्रेम ही कह रहे हो, और 150 की अकेली ये आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही ले लूँ, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा है और माता रानी भी बहुत अच्छी है, हाइट इसकी सेम ही है, जैसे ये है वैसे ये है, तो मैंने सोचा क्यों ना 150-150 है, सेम ही है प्राइस, क्यों ना मैं यही ले लूँ, और पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा है और फ्रेम पहले से ही है, टाइम लगना था फ्रेम कराने में, मैंने सोचा फ्रेम भी ले लूँ, उतने ही पैसे लगने बस, डिज़ाइन का फ़र्क हो जाएगा, डिज़ाइन क्या माता रानी तो है ही है उसमें, थोड़ा ना दूसरी माता रानी, इसमें दूसरी माता रानी एक ही है माता रानी। देखिए आराम से देखिए, दोनों का ही मतलब अच्छा है मुखमंडल। तो ये मुझको 150 रुपीज़ की पड़ी है, तो 150 की होनी थी इसका ज़्यादा, ये जो बीच में होती है ना फोटो, ये 30 रुपीज़ की होती है, क्योंकि ये जो मैंने ली थी ना, ये 30 रुपीज़ की आई थी, ये पोस्टर 30 रुपीज़ का आया था, और इसका प्राइस बाकी कितना बच गया, 120 रुपीज़ इसकी सिर्फ फ्रेमिंग का ही है, 120 रुपीज़ फ्रेमिंग का, 120 रुपीज़ है, क्योंकि देखिए ये जो फ्रेम होता है ये महंगा लगाते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये पीछे एक ही गत्ता, ये टेप, ये थोड़े से जो होते हैं पिंस लगाते हैं, ताकि कांच, कांच के लिए पिंस लगाते हैं। तो ये हमारे आई हैं भगवती माँ, हमारी माँ दुर्गा, मुझे बहुत खुशी हुई कि नवरात्रों के दौरान आई है, नवरात्रों के दौरान आई है, बहुत शुभ माना जाता है, तो ये हमारे घर आ ही गई फाइनली। मैं कब से लेना चाहता था, मैं सोच रहा था कब लूँ, तो मैंने सोचा नवरात्रों से ज़्यादा शुभ दिन तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो मैंने नवरात्रों के दौरान ही ले ली। और भी मैंने बहुत शॉपिंग करी इसके बाद, ये मेरा पार्ट वन है मेरी नवरात्रि शॉपिंग का, क्योंकि मैं चाहता था कि इनकी मैं अलग से बनाऊँ, और एक ही में अगर पूरी शॉपिंग, बहुत ज़्यादा शॉपिंग है तो एक ही में पूरी बनाऊँगा तो टाइम हो जाएगा, तो
इसलिए मैंने इसके लिए अलग और इसके बाद जो आएगी उसके लिए अलग। तो ये थी हमारी माता रानी की, आपको जल्द ही मिल जाएगी ये, उसके बाद पार्ट टू भी मिल जाएगा, ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू आ जाएगा, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे को ये मिल गई। तो इसके बाद जब इसकी इनकी स्थापना करेंगे आपको वीडियो मिलेगी ही, तो उसमें अगर मैं पूरी ना बना सकूँ तो एक अकेली झलक जरूर दूंगा आपको, ताकि आपको भी दिखे, पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी वीडियो बनाऊँ, मतलब तो कैसे चौकी सजाई, मतलब ऐसे ही। तो इसीलिए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं हम, बाय बाय। आप सबको फिर से मेरी हैप्पी नवरात्रि हमारी तरफ से, मई माता रानी की तरफ से और मेरी तरफ से, माता रानी की तरफ से और मेरी तरफ से बाय। अब हम आपको मिलेंगे नवरात्रों के दौरान, इसके बाद दोबारा मिलेंगे हम नवरात्रि शॉपिंग पार्ट टू में, उसके बाद सीधा मिलेंगे नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 13 अप्रैल को। तो चलिए अब हम चलते हैं, बाय।